And welcome to all my dear students. I, Jyoti Gautam, your science teacher from Kendriya Vidyalaya Panna, welcome you all to our online classes organized by the regional office Jabalpur. Umid karti hu ki aap sabhi swasth hain. You hope you all are fit and fine. So let's start at today's session. In our previous lecture, we have discussed about the sorting materials and groups. हमने उसके बारे में डिस्कस किया था कि कैसे materials को sort करते हैं, उनको different different groups में हम कैसे categorize करते हैं. And in our today's lecture, in our today's session, we'll be discussing about the mind map and 10 most common and most important questions of this chapter, जो जिनकी आपके exam में आने की बहुत possibility है. But before I start my topic, here is a booster dose of motivation for all of you. आप सभी के लिए एक motivation का booster dose है. That believe in yourself and you will be unstoppable. Of course, the moment you start believing in yourself, nobody can stop you. जिस पल आपने खुद पर भरोसा कर लिया कि आप कर सकते हो, चाहे एग्जाम हो चाहे लाइफ हो, उस टाइम अब आपको कोई भी नहीं रोक सकता. यू कैन अचीव ऑल दी यू नो योर डिजायर्स. आप अपनी जितने भी आपने एम सेट करे, आप सब अचीव कर पाओगे. लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खुद पर बिलीव करना पड़ेगा. तो इसी मोटिवेशन बूस्टर डोज के साथ स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. एंड हेयर इज अ लवली माइंड मैप ऑफ दिस चैप्टर. अगर आप इस माइंड मैप को पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा चैप्टर इस एक पिक्चर में आपका समाया हुआ है. अब सॉर्टिंग मटीरियल्स इनटू ग्रुप, जो मैंने आपसे चैप्टर डिस्कस किया था कल, उसमें हमने मटीरियल्स को डिफरेंट डिफरेंट उनकी किसके बेसिस पे सॉर्ट किया था, उनकी प्रॉपर्टीज या फिर क्वालिटीज के बेसिस पे. अगर बात करें तो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं यहाँ पे? अपीयरेंस, ट्रांसपेरेंसी, उनकी रफनेस के बेसिस पे, यस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, मटेरियल्स की डेंसिटी यानी कि वेदर दे विल बी एबल टू फ्लोट ऑन वाटर और अदर लिक्विड सब्सटेंस और नॉट, उनके हार्डनेस के बेसिस पे, हाँ उनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, वो कितना ईजिली वो सॉल्यू मिक्सअप हो पाते हैं नहीं, एंड ऑफ कोर्स द कंडक्शन ऑफ हीट, कि वो हीट के आर दे गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर्स. जल्दी से इसको समझते हैं एक बार. लेट मी चूज एन अनदर कलर. यस, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अगर हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे मटेरियल को कैसे सॉर्ट आउट किया है, तो ये जस्ट रिकैपिचुलेशन है आपके लिए कि हमारे पास वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल एंड ओपेक मटेरियल. यस, ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होते हैं? वो मटेरियल जिनके थ्रू लाइट ईजिली पास ऑन हो पाती है और हमें इन एंड आउट विजिबल होता है, उन मटेरियल के आर पार हम देख सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं. अपेक मटेरियल कौन से होते हैं? अपेक मटेरियल्स वो मटेरियल होते हैं विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जो लाइट को अपने थ्रू पास नहीं होने देते और जिनके इन एंड आउट हम नहीं देख सकते. जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक कार्डबोर्ड है तो हम कार्डबोर्ड के आर पार नहीं देख सकते, तो वो क्या है? हमारा ओपेक मटेरियल. नाउ ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल जो होता है वो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज ओपेक जैसी हैं, कुछ हैं ट्रांसपेरेंट. मतलब ये वो मटेरियल होते हैं जो लाइट को दे अलाउ पार्शियली पैसेज ऑफ लाइट, वो लाइट को थोड़ा सा पार्शियली पैसेज अलाउ करते हैं. मतलब इनके इन एंड आउट, इनके थ्रू हम मटेरियल्स को देख तो सकते हैं लेकिन वो कैसे होते हैं? धुंधला देख सकते हैं. नो क्लियर इमेज, क्लियर इमेज नहीं बनती इसमें, ठीक है? हम क्लियरली हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बेसिस पे हम किस तरह से मटेरियल को सॉर्ट कर सकते हैं? पहले होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल. कौन से मटेरियल? वो मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, दोज मटेरियल विच आर इजीली गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट. सेकेंड इज द नॉन मैग्नेटिक मटीरियल. यस, ये वो मटीरियल्स हैं जो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट नहीं होते, जैसे कि वुड. अगर हम वुड को देख कंसिडर कर रहे हैं तो वुड को हम कितना भी मैग्नेट के पास अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, वो अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट बेसिस ऑफ सॉर्टिंग इज फ्लोटेशन या फिर डेंसिटी. डेंसिटी होता है, अगर मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँ तो घनत्व, कि कोई भी मटेरियल है वो कितना डेंस है. क्या वो वाटर के अगर कंपैरिजन में हम देखें तो क्या वो फ्लोट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो इसके बेसिस पे हमारे पास कितने तरह के मटेरियल होते हैं? दो तरह के होते हैं. पहला है द मटीरियल्स विच कैन फ्लोट. हाँ, वो मटेरियल जो कैसे होते हैं? हल्के होते हैं और वाटर पे फ्लोट कर सकते हैं. जैसे कि ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियाँ जो होती हैं, वुड है, लकड़ी है. हम सब जानते हैं कि जो लकड़ी है अगर हम उसको पानी में डिप भी करते हैं तो वो ऊपर आती है, फ्लोट हो जाती है. अगर मैं ऑयल की बात करूँ तो ऑयल हमेशा वाटर के ऊपर आता है, बिकॉज वो कैसा है? लाइट है.
ठीक है, एंड मटीरियल्स विच कैन सिंक, सिंक मतलब डूब जाते हैं, वो मटीरियल जो पानी में डूब जाते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जैसे कि हमारे आयरन नेल्स, लोहे की कीलें होती हैं, या और भी आयरन या मेटल के ऑब्जेक्ट्स, वो कैसे होते हैं? उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। देन अगर हम बात करते हैं हार्डनेस की, तो हार्डनेस के बेसिस में हमारे पास दो तरह के मटेरियल हैं, वो मटेरियल दोज विच आर वेरी हार्ड, जो हार्ड होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होता है, ईजिली कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, जैसे कि स्टोन, एंड सॉफ्ट में वो मटेरियल जो ईजिली कंप्रेसिबल भी हो जाते हैं और वो सॉफ्ट होते हैं। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह से होती है कि वो कैसे होते हैं, अगर उनको हम टच करके देख रहे हैं तो दे आर सॉफ्ट मटेरियल, जैसे कि कॉटन, रबर, स्प्रिंग, ठीक है, ये कैसे हैं, कंप्रेस्ड हो जाते हैं, दे कैन ईजिली बी कंप्रेस्ड। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ में मिक्सअप हो जाना। अब ये किसी भी चीज़ क्या है, ये हमारा सॉल्वेंट्स होते हैं, जनरली हम वाटर को लेते हैं बिकॉज वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, लेकिन वाटर वाटर के अलावा भी हमारे और बहुत सारे सॉल्वेंट्स होते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। अगर हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर, मतलब वाटर में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी, तो इसमें भी हमारे दो टाइप आते हैं, सॉल्युबल इनसॉल्युबल। जो मिक्स हो जाते हैं वो आते हैं सॉल्युबल, जैसे कि सॉल्ट, नमक पानी में ईजिली मिक्स हो जाता है। इनसॉल्युबल जो मिक्स नहीं हो पाते, वो सॉलिड जो मिक्स नहीं हो पाते, जैसे कि आपका चॉक पाउडर, या फिर जैसे कि आपकी सैंड, डस्ट, ये क्या है, पानी मिक्स नहीं होते, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। देन मूविंग ऑन टू सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर, अगर हम लिक्विड की बात करें कि लिक्विड कितना सॉल्युबल है वाटर में, तो उसके भी दो टाइप हैं, एक है मिसिबल, एक है इमिसिबल। मिसिबल में मिक्स वर्ड आ रहा है, आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे, तोड़ कर पढ़ेंगे उस वर्ड को, तो उसमें क्या आ रहा है, मिक्स वर्ड। सो मिसिबल कौन से होते हैं, ये वो लिक्विड्स होते हैं जो वाटर में मिक्स हो जाते हैं ईजिली, जैसे कि आपका लाइम जूस, नींबू का जो रस होता है, या फिर जो विनेगर है, सिरका, जो हम अचार वगैरह में यूज़ करते हैं, है ना, चाइनीज क्विजींस में यूज़ करते हैं, वो क्या हो जाता है, हमारा ईजिली मिक्स हो जाता है। और इमिसिबल कौन से होते हैं, इमिसिबल वो होते हैं जो मिक्स नहीं हो पाते, जैसे कि ऑयल, वो लिक्विड जो मिक्स नहीं हो पाते, आप किसी भी ऑयल को यूज़ करिए, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, वो मिक्स नहीं होगा ईजिली। देन अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर, कि जो गैसेज हैं वो वाटर में किस तरह से सॉल्युबल है, तो उसकी भी दो कैटेगरी है, मैं इसको एक मिनट हटा देती हूँ। यस, कि फर्स्ट है सॉल्युबल एंड दस इनसॉल्युबल, वो गैसेज जो वाटर में ईजिली सॉल्युबल है, जैसे कि आपकी नाइट्रोजन, सॉरी आपकी ऑक्सीजन, ओके, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपने देखा होगा, जितनी भी आपकी जो एरिएटेड ड्रिंक्स आती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोको कोलाज होता है, वो सब क्या है, उन सब में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है। ऑक्सीजन तो हमें मालूम है, पानी में ऑक्सीजन होती ही है, क्योंकि हम, अगर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो फिशेज होती हैं वो वाटर के डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज़ करती हैं, तो वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में है, बट नाइट्रोजन वो क्या है, वो इनसॉल्युबल है, ठीक है। देन अगर मैं बात करती हूँ कंडक्शन की, हीट के कंडक्शन की अगर मैं बात करती हूँ, उसके बेसिस पे अगर मैं मटेरियल को क्लासीफाई करूँ, तो हमारे पास अगेन दो तरह के मटेरियल है, कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स कौन से हैं, जो कंडक्शन शो कर रहे हैं, मतलब वो मटेरियल जिनमें क्या प्रोसेस है, जो ईजिली हीट को अपने थ्रू पास होने देते हैं, जो हीट के गुड कंडक्टर्स में आते हैं, जैसे जितने भी आपके मेटल्स हैं वो सब क्या हैं, हीट के गुड कंडक्टर्स हैं। हमने देखा है हमारे किचन में जो यूटेंसिल्स होते हैं, जितने भी, अगर हम प्रेशर कुकर की बात कर रहे हैं तो वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है, अगर हम वॉक कढ़ाई की बात कर रहे हैं तो वो लोहे की बनी हुई है, तो जब भी हम उसमें कुकिंग करते हैं तो हमारा जो फूड उसके अंदर, वो भी क्या होता है, गर्म हो जाता है, क्यों, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो स्टोव की हीट को फूड तक ईजिली पास ऑन कर देते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं हम कंडक्टर्स ऑफ हीट। नॉन कंडक्टर्स कौन से हैं, वो जिनके थ्रू हीट अच्छे से पास ऑन नहीं होती, जो हीट को अलाउ नहीं करते, जैसे कि प्लास्टिक्स, वुड हो गया, आपके जो डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक्स हैं, थर्मोसेटिंग एंड ऑल, ये आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, आपने देखा होगा अगेन किचन में जो यूटेंसिल्स होते हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं वो टेफ्लॉन के बने होते हैं, ओके, एंड प्लास्टिक के हैंडल्स बने होते हैं आपके, देन जो वो आपका होता है वुड के हैंडल्स बने होते हैं, तो ये क्या है, ये आपके नॉन कंडक्टर्स में आते हैं, हीट को अलाउ नहीं करते। देन अगर हम बात करें अपीयरेंस के बेसिस पर, मटेरियल की अपीयरेंस के बेसिस पे, कि वो लगता कैसा है, दिखने में कैसा है वो अपीयरेंस, तो एक है लस्चरस, एक है नॉन लस्चरस, ओके। आपने बहुत सारे ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरीज देखी होंगी माय डियर स्टूडेंट्स, उनमें से कुछ ज्वेलरीज ऐसी हैं आपने जो देखी होंगी, जो कैसी होती हैं, बहुत शाइनी होती हैं,
लस्चरस होती हैं. क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी आपकी किसकी बनी होती हैं, मेटल की बनी होती हैं, जैसे कि गोल्ड की, सिल्वर की है, प्लैटिनम की है, तो उनमें क्या है, शाइन है. लस्चर का मतलब है शाइन, ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. नॉन लस्चरस क्या है, शाइन नहीं है. जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज भी आती हैं जो प्लास्टिक मटेरियल की बनी होती हैं, ऐसी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हैं जो प्लास्टिक मटेरियल की बनी होती हैं, उनमें बट कोई शाइन नहीं होती. क्यों? क्योंकि वुड है, प्लास्टिक है, चारकोल है, ये क्या होते हैं, ये नॉन लस्चरस होते हैं, इनमें शाइन नहीं होती. ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ रफनेस, अगर हम रफनेस की बात करें तब भी हमारे पास दो तरह के मटीरियल होते हैं. द फर्स्ट वन इज रफ मटीरियल एंड देन द स्मूथ मटीरियल. रफ मटीरियल और स्मूथ मटीरियल, नाम जैसे बता रहा है, रफ का मतलब जिनकी सरफेस कैसी होती है, खुरदुरी होती है, यूनिफॉर्म स्मूथ सरफेस नहीं होती, इनके सरफेस पे बम्स होते हैं, तो वो कौन से हैं, जैसे कि आपके पेबल्स, पत्थरों की बात कर रहे हैं हम, रॉक्स की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारे, रफ हैं. स्मूथ मटेरियल की बात करें तो जिनकी सरफेस कैसी होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है, यूनिफॉर्म सरफेस होती है. अगर हम बात करें टाइल की या फ्लोर की, हमारा मार्बल फ्लोरिंग जो होती है वो कैसी है, बिल्कुल स्मूथ है. लेकिन वहीं पे अगर हम हमारी फ्लोर को किसी पत्थर से कंपेयर करें तो पत्थर की सरफेस कैसी है, रफ सरफेस है. नाउ ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ. सो दीज आर सम ऑफ द यू नो प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच वी सॉर्ट आर मटीरियल्स, वी क्लासीफाई देम. सो हियर इज अ माइंड मैप, आप इस माइंड मैप को यूज भी कर सकते हैं, अपनी क्लास पर कॉपी में बना भी सकते हैं, इट विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस. अभी मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी. वो क्वेश्चन है जो ज्यादातर आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं एंड वाइडली यूज हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन. यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई क्लासिफिकेशन होता क्या है. नाउ क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग और सॉर्टिंग ऑफ मटीरियल. क्या होता है क्लासिफिकेशन, जब भी हम मटेरियल्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं या उनको सॉर्ट कर देते हैं, उनको छांट देते हैं. ठीक है, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़. अब वो प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, वो सिमिलरिटीज़ के बेसिस पर भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, डिससिमिलैरिटी के बेसिस भी कर सकते हैं. आगे क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपको ऑड वन आउट छांटना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे हम कैसे ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. ओके, सो मैं दोबारा एक बार इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. व्हाट इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इज बेसिकली द ग्रुपिंग और सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स और मटीरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटीज. अगर क्वालिटीज के बारे में आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आई होप आप जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपसे डिस्कस की थी डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स और क्वालिटीज, वो आप मेंशन कर सकते हैं. देन मूविंग ऑन टू द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन. हाँ भाई बिल्कुल, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है. अब आप बोलोगे यस मैम ये क्वेश्चन तो हमें आता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है. क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. अभी जो हमने डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पढ़े हैं उसमें क्या है, हमने प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासिफाई किया है. तो हम कब क्लासिफाई कर पा रहे हैं, तभी जब हमें पता है कि किस ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टी है. सो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट में. हाँ, ऑब्जेक्ट की सॉर्टिंग में, उनको अलग अलग उनके ग्रुप्स असाइन करने में हेल्प मिलती है. ऑफ कोर्स लोकेटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करने में क्लासिफिकेशन बहुत हेल्प करता है. अंडरस्टैंडिंग द सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी. हाँ, अगर हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं तो हम इजीली समझ पाएंगे कि किन किन ऑब्जेक्ट्स में कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं, कौन कौन से डिससिमिलैरिटी हैं. एंड यस, क्लासिफिकेशन मेक्स स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट मोर ईजियर एंड मोर मीनिंगफुल. बिल्कुल, अगर हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं तो हम उनको ग्रुप्स में पढ़ते हैं. कि अगर मैं बात कर रही हूँ मेटल्स की, तो मेटल बोलते ही मेरे दिमाग में पीरियोडिक टेबल का वो एरिया आ रहा है जहाँ पे एक कॉमन प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, अगर मैं नॉन मेटल वर्ड बोल रही हूँ, तो नॉन मेटल बोलते ही मेरे दिमाग में पीरियोडिक टेबल का वो आ रहा है जहाँ पे अगेन एक अलग पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वाले प्रेजेंट हैं. और मेटालाइट बोलते मेरे दिमाग में कौन सा आ रहा है, वो एक जिगजैग लाइन आ रही है जिसमें क्या है, ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज हैं, मेटल की भी नॉन मेटल की भी. ये थोड़ा हाई एग्जाम्पल अगर मैं आपके लेवल की बात करूँ, तो अगर हम बात करते हैं फर्नीचर, ठीक है, तो फर्नीचर बोलते ही हमारे दिमाग में जितने भी हमारे यू नो वुडन से या प्लास्टिक से बने हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे बैठने के, सोने के, पढ़ने के काम आते हैं, हमारे दिमाग में वो आता है. स्टेशनरी वर्ड बोलते आपके सबके दिमाग में एक चीज़ आती होगी, हाँ स्टेशनरी का मतलब हर वो चीज़ जो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड है, पेन, कॉपी, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर.
ठीक है, तो ये क्या है, इट मेक्स ऑब्जेक्ट्स की, जो ऑब्जेक्ट्स की स्टडी है वो इसको ईजी बनाता है क्लासिफिकेशन. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरी वन. नाउ वाई इज मर्करी यूज इन मेकिंग थर्मामीटर्स. यस, ये क्वेश्चन आपका सेवन्थ क्लास में भी है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो कि वाई मर्करी, मर्करी क्या है, मर्करी एक आपका एलिमेंट है, उसको हम थर्मोमीटर बनाने में क्यों यूज़ करते हैं, उसको हम थर्मोमीटर में क्यों यूज़ करते हैं. हाँ, तो इसका आंसर क्या है, मर्करी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. बिल्कुल, मर्करी की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है, उसका जो नॉर्मल जो आउटर, अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो वो लिक्विड स्टेट में होता है. रूम टेम्परेचर पर भी, एक नॉर्मल टेम्परेचर भी, वो कैसी होती है, लिक्विड होती है. तो हम, अगर आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी तो मैं आपको मेंशन करूंगी कि जो लिक्विड्स होते हैं, जब उनको हीट मिलती है तो वो क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, फैलते हैं, एक्सपैंड का मतलब. ठीक है, तो मर्करी की यही प्रॉपर्टी कि वो लिक्विड है तो वो ईजिली क्या कर पाती है, एक्सपैंड हो पाती है. इसीलिए हम उसको क्या यूज़ कर रहे हैं, थर्मोमीटर में. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, येस इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट. हाँ, क्योंकि हमें मालूम है थर्मोमीटर का काम क्या है, टेम्परेचर चेक करना, फीवर चेक करना. तो जब टेम्परेचर इंक्रीज है, फीवर है, हमें हमारा टेम्परेचर इंक्रीज है, तो हमें एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा यू नो मटेरियल चाहिए हमें, जो क्या करे, उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए उसमें वो कंडक्टिविटी होनी चाहिए कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो भी क्या कर रहा है, एक्सपैंड हो पा रहा है. इसीलिए मर्करी में प्रॉपर्टी होती, तो इसीलिए भी हम यूज़ करते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है मर्करी की, थर्ड प्रॉपर्टी है इट हैज लस्टर, उसमें शाइन होती है, एंड इज ओपेक. यस, सो इट इज ईजी टू रीड द टेम्परेचर शोन बाय द लेवल ऑफ मर्करी. ओके, अब माई डियर बच्चा पार्टी, आप सबने थर्मोमीटर देखा होगा, है ना. थर्मोमीटर कैसा होता है, कांच का एक पतला सा ट्यूब होता है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास. अगर उस ग्लास में कोई ट्रांसपेरेंट ही, हमने तीन टाइप के मटेरियल्स पढ़े थे, है ना, उनके ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे, अगर हमने ट्रांसपेरेंट ही कोई मटेरियल ले लिया, तो विल यू बी एबल टू, यू नो, विल इट बी विजिबल, क्या आप उसको देख पाओगे उस मटेरियल को. अगर कांच भी ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर जो मटेरियल हमारा, जो हम उसको एज अ, यू नो, हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, अगर वो भी ट्रांसपेरेंट है, तो आप देख पाओगे, नहीं देख पाओगे. तो हमें कौन सा मटेरियल चाहिए, कैसा मटेरियल चाहिए, जो लिक्विड हो ताकि वो एक्सपैंड कर पाए, जो हीट का गुड कंडक्टर हो, प्लस शाइनी हो और ओपेक हो. ओपेक होगा तो वो क्या करेगा, वो हमें उस ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब में ईजिली विजिबल होगा. तो ये तीन प्रॉपर्टी हैं जो मर्करी को वर्सटाइल बनाती हैं और यूज़फुल बनाती हैं किसमें, हम ताकि उसको थर्मोमेट्रिक लिक्विड की तरह यूज़ कर पाएँ. थर्मोमेट्रिक लिक्विड होते हैं जो हम अब बेसिकली टेम्परेचर मेजर करने के लिए या थर्मोमीटर्स में यूज़ करते हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन द बेसिस ऑफ, व्हाट आर द बेसिस ऑन द ऑन विच वी क्लासीफाई, यू नो, वी ग्रुप और क्लासीफाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट. ऑन व्हाट बेसिस वी, यू नो, और वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप्ड. कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट बेसिस हैं, ये मैंने आपको माइंड मैप में एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन से बेसिस हैं, उनकी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे, साइज, शेप, कलर, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, अगर मैं बात कर रही हूँ तो, हाँ, सॉल्युबिलिटी की, वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है उसके बेसिस पे, देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दैट इज अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट, की वो अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, हीट के कंडक्शन के बेसिस पे कि वो कंडक्टर है या फिर बैड कंडक्टर है, देन ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे कि वो जो मटेरियल है वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है या ओपेक है. ओके, अगर हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो इसमें भी तीन आ जाते हैं, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी, लिक्विड की और गैसेस की, कि सॉलिड जो है वो वाटर में सॉल्युबल है या नहीं, लिक्विड जो वाटर में सॉल्युबल है या नहीं, या गैसेस जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल है या नहीं. तो ये क्या है, आपकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं. इसमें रफनेस भी आ जाएगा कि उनकी जो सरफेस है वो स्मूथ है या रफ है. ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट क्या हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट बेसिस हैं, जिसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, इनको ग्रुप कर रहे हैं. नाउ व्हाई डू वी नीड द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट्स को, अगेन ये वही क्वेश्चन है, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी घूमी हुई है. आपको एग्जाम में एक ही क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है. ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने का क्या मेन ज़रूरत है, नीड क्या है, इसका वही है कि हम उनको ईजी लोकेट कर पाएँ. सी द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प अस टू अरेंज दैम इन सिस्टमैटिक मैनर. सिस्टमैटिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को व्यवस्थित ढंग से, एकदम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होकर हम उसको रख पाते हैं. देन द ऑब्जेक्ट वेन ग्रुप्ड आर ईजी टू हैंडल. बिल्कुल, जब ऑब्जेक्ट अच्छे से ग्रुप्ड होते हैं तो हम उनको ईजिली हैंडल कर पाते हैं. वैन दे ग्रुप इट इज ईजी टू नो द प्रॉपर्टी, नो द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑफकोर्स हम उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी ईजिली जज कर पाते हैं. एंड इट मेक्स ईजी इजियर द कंपेरिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट. हाँ,
जब हम ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग करते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है अगेन कि उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे हम उनको कंपेयर कर पाएँ। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि अगर आपकी वार्डरोब है, आई थिंक मैंने पहले भी एग्जाम्पल कोट किया, जो आपकी अलमारी है उसी अलमारी में, एक अलमारी में आप अपने सारे कपड़े एक तरफ रख देते हो, जितने भी जो आपके ऑर्नामेंट्स है वो एक तरफ रख देते हो, हैंकी, आपके यू नो बेल्ट और जितनी भी बाकी चीज़ें हैं, इनफैक्ट आप अपने यू नो स्कूल बैग्स वगैरह, हैंड बैग्स वगैरह, क्लचेस, वो सब आप एक एक साथ ऐसे रफली रख देते हैं। तो क्या होगा जब आप नेक्स्ट डे अपना कोई भी एक पर्टिकुलर हैंकी या कोई भी स्टोल या कोई भी एक पर्टिकुलर अपना ड्रेस अगर आप लेने की कोशिश करोगे तो क्या आपको मिलेगा? या उस वार्ड्रोब में जो आपने सारा सामान एक साथ डाला हुआ है, क्या उसमें से आप नेक्स्ट डे अपनी यूनिफॉर्म को प्रॉपरली ढूंढ पाओगे? नहीं ढूंढ पाओगे, आपको टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा और प्रॉब्लम भी आएगी, एक चीज़ निकालोगे तो दूसरी मिलेगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने अपनी वार्ड्रोब में, अपनी अलमारी में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बनाए हुए हैं, ठीक है। हमने एक छोटे से कबर्ड में अपने अलग से अपनी वॉचेस को और जितने भी हमारी एक्सेसरीज हैं हमने उसमें रखी हुई हैं, वॉलेट, सॉक्स, हैंकी, पर्सेस, ये सब हमने किस में रखा हुआ है, एक अपने कंपार्टमेंट में, कॉलम में रखा हुआ है, हैंड बैग, स्कूल बैग और जितने भी लैपटॉप बैग्स वगैरह वो हमने एक जगह अरेंज करके रखे हुए हैं, है ना। स्कूल यूनिफॉर्म्स एंड ड्रेसेस, जितनी स्कूल से रिलेटेड ऑब्जेक्ट हमारे जितने भी हैं वो हमने एक जगह रखे हुए हैं, और डेली पहनने वाले कपड़े एक जगह रखते हैं और जो हमारे वैसे होते हैं थोड़े से वो हम एक जगह रखते हैं। अब इससे क्या होगा, हमने ऑब्जेक्ट्स को उनके प्रॉपर्टी के बेसिस पे ग्रुप कर दिया कि हाँ ये मटेरियल मेरे स्कूल के यूज़ के, इनको मैंने एक तरफ रख दिया, ये मेरे डेली यूज़ वाला, मैंने इनको एक तरफ रख दिया, और ये मेरे कैसे हैं ऑफिस वर्क वाले या वैसे हैं तो मैंने इनको एक तरफ रख दिया। अब ये भी एक तरह का क्या है, आपका बेसिस है ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने का उनके यूज़ के बेसिस पे। यहाँ पे यूज़ मेंशन नहीं है बट हम उसके बेसिस पर भी ग्रुप कर सकते हैं कि किस ऑब्जेक्ट का क्या यूज़ है उसके बेसिस पे। तो अब क्या हुआ, आपने ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप अप कर दिया, उनको सॉर्ट कर दिया, उनको क्लासीफाई कर दिया, तो जब भी नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी मटेरियल चाहिए होगा तो आप बिल्कुल आँख बंद करके, आपको अपना अगर वॉलेट चाहिए तो आपका हाथ पूरी अलमीरा में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली उसी कबर्ड को खोलोगे, उसी कंपार्टमेंट को खोलोगे जहाँ पे आपका वॉलेट है, ओके। सो इट बिकम्स यू नो हैंडलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स ईजियर आफ्टर ग्रुपिंग दैम। तो यही मेन नीड है, आई होप अब इस एग्जाम्पल से आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प द शॉपकीपर? बिल्कुल ये वही क्वेश्चन आ गया कि शॉपकीपर्स जो होते हैं उनको कैसे ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प करती है। बिल्कुल आप सब ने देखा होगा बच्चा पार्टी, जब आप किसी भी दुकान पे जाते हो, किसी भी शॉप पे जाते हो, व्हेनेवर यू आस्क फॉर एनी चॉकलेट समथिंग, अगर आप चॉकलेट मांग रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपने देखा होगा कि हर टॉफी का, हर चॉकलेट का उन्होंने एक अलग बॉक्स बनाया होता है। अगर आपको मेलोडी चाहिए, मैं आप ही का एग्जाम्पल, आपके लेवल का एग्जाम्पल बता रही हूँ, अगर आपको मेलोडी चाहिए तो ऐसा नहीं कि उन्होंने एक डिब्बे में सारी टॉफियाँ मिक्स कर रही हूँ फिर वो एक एक निकाल के ढूंढ रहे हैं, नहीं ऐसा तो नहीं होता ना। उन्होंने मेलोडी का डिब्बा अलग बनाया हुआ है, पल्स टॉफी का अलग बनाया हुआ है ना, किसी और टॉफी का उन्होंने अलग डिब्बा बनाया हुआ है, तो आप जब भी जो भी मांगते हो वो ईजिली उसमें से निकालते हैं ना, आपको दे देते हैं। सिमिलरली जितनी भी जो फ्रिज वाली चीज़ें होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल होती हैं, वो उन्होंने ऐसे मेस्ड अप होके नहीं रखी होती, वो कहाँ रखी होती है, रेफ्रिजरेटर में रखी होती हैं। जब भी आप बोलते हो कि आपको ये कार्बोनेटेड ड्रिंक चाहिए, ये कोल्ड ड्रिंक चाहिए या बटर के पैकेट चाहिए, तो वो डायरेक्टली यहाँ वहाँ नहीं ढूंढ के फ्रिज में से निकाल के आपको देते हैं। सिमिलरली अगर आप शुगर लेते हो या फिर आप राइस मांग रहे हो या कोई भी और डिफरेंट अपना ऑब्जेक्ट मांग रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रॉसरी शॉप, मैं फिलहाल अभी ग्रॉसरी का एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो शॉपकीपर इजीली उसको लोकेट कर पाता है कि हाँ शुगर का ये कंपार्टमेंट है, मैंने यहाँ पे शुगर रखी हुई, तो वहाँ से आपको दे देता है। सिमिलरली पल्सेस का, और आपने डिफरेंट डिफरेंट सुपर मॉल्स में भी देखा होगा कि वहाँ पे अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं, इनफैक्ट डिफरेंट डिफरेंट अगर फ्लोर्स हैं तो फ्लोर्स में भी चीज़ों को डिवाइड होता है कि ये आपका फुटवेयर का सेक्शन ये है, ठीक है, आपकी किचन वेयर्स का सेक्शन ये है, किचन का जितना भी सामान है, यूटेंसिल्स का सेक्शन ये है, आपका यू नो ट्रेडिशनल जो क्लोथ्स होते हैं उनका सेक्शन अलग होता है, आपके वेस्टर्न वेयर्स का अलग होता है। तो अगर मैं बात करूँ क्लोथ शॉप की, कपड़े की दुकान की बात करूँ, तो वहाँ पर भी शॉपकीपर उसने क्या किया होता है, ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग करी होती है ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सा डिफरेंट है। उसने अपने शर्ट्स एंड टॉप्स का कॉलम्स अलग रखा होता है, सूट का अलग रखा होता है, ट्राउजर्स का अलग रखा होता है कॉलम, ठीक है। तो अगर हम इस आंसर को देखते हैं तो और क्या है परफेक्ट आंसर जो आपको लिखना है, मैंने अभी आपको समझाया है, द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्रॉपर वे मेक्स इट ईजियर टू वर्क। हाँ बिल्कुल,
काम करने में वो इजी रहता है थोड़ा सा, बिल्कुल। व्हेन वी गो टू परचेज सम थिंग्स द शॉपकीपर लोकेटेड इजीली, बिल्कुल, जो मैंने अभी मेंशन किया कि जब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं तो शॉपकीपर उसको इजीली लोकेट कर पाता है, ढूंढ पाता है कि उसने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। बिकॉज देर आर सेपरेट शेल्फ टू पुट वेरियस आइटम एंड थिंग्स, हाँ सेपरेट शेल्फ्स होते हैं, सेपरेट कंपार्टमेंट्स होते हैं, और उन कंपार्टमेंट में से शॉपकीपर को पता होता है कि मैंने ये चीज़ इस कंपार्टमेंट में रखी है, ठीक है। इफ़ यू रैंडमली प्लेसेस ऑल दीज थिंग्स ही वुड नेवर बी एबल टू फाइंड देम सो क्विकली, ऑफकोर्स। अगर वो आपके जितने भी जो चीज़ें हैं, अगर मैं सिंपल टॉफ़ी का ही एग्जाम्पल लेती हूँ, तो अगर वो जितनी भी आपके डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी की डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स की टॉफ़ीज़ हैं, उनको अगर मिक्सडअप करके एक ही बॉक्स में रखेगा, और अगर आपने कोई एक टाइप की मांगी टॉफ़ी, तो उसको बहुत डिफ़िकल्टी होगी उसको लोकेट करने में, उसको पूरा एम्प्टी करना पड़ेगा एंड देन उसको छांटना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता जनरली, ठीक है। सो दैट इज़ द मेन नेसेसिटी कि वाई शॉपकीपर्स एंड इवन एनीबडी एल्स नीड्स ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वेरियस मटीरियल्स फ्रॉम विच द फॉलोइंग थिंग्स कैन बी मेड। हाँ माई डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ध्यान से सुनो। अब इसमें क्या है, हमसे ये पूछा गया जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिए हुए हैं, जो जितने मटेरियल्स दिए हुए हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स पूछे कि किन किन मटेरियल से ये बन सकता है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं शूज़ की, तो फर्स्ट है हमारा शूज़ किससे बन सकता है, लेदर से ही बन सकता है, बिल्कुल। लेदर शूज़ भी होते हैं, रबर शूज़ भी होते हैं, हाँ वाटर प्रूफ शूज़ आते हैं आपके रबर के, देन प्लास्टिक के शूज़ भी होते हैं, ऑफकोर्स होते हैं, टॉय शूज़ भी होते हैं, देन कैनवास कपड़े के जूते भी होते हैं, बिल्कुल कैनवास शूज़ भी होते हैं। देन अगर हम बात कर रहे हैं चेयर कैन बी मेड ऑफ वुड, मेटल, प्लास्टिक एंड कॉन्क्रीट। अब आप बोलोगे मैम कॉन्क्रीट की कौन सी चेयर होती है। आपने देखा होगा कि पार्क्स वगैरह में बेंचेस बनी होती हैं, कॉन्क्रीट बेंचेस, कॉन्क्रीट चेयर्स बनी होती हैं बैठने के लिए, तो वो क्या होती हैं, वो बेसिकली सीमेंटेड होती हैं। देन कॉइन्स जो सिक्के होते हैं कैसे होते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो उनसे भी बने होते हैं। ओके, देन यूटेंसिल्स कैन बी मेड ऑफ आयरन, लोहे के बर्तन होते हैं, कॉपर के होते हैं, एल्यूमिनियम के, इनफैक्ट सिल्वर के, चांदी के बर्तन भी होते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स के घर पर होंगे भी, जो पूजा के बर्तन होते हैं हमारे घर में वो चांदी के हम यूज़ करते हैं। देन क्लोथ्स, कपड़े, क्लोथ्स किस किस से बन जाते हैं, कॉटन के बनते हैं, वूल के, सिल्क के, रेयन के, नायलॉन के। अब ये रेयन्स, नायलॉन, ये आपके लिए नए वर्ड्स होंगे, बट रेयन क्या होता है आपका, रेयन आपका आर्टिफिशियल सिल्क होता है, मतलब ये दिखने में बिल्कुल सिल्क जैसा होता है, लेकिन सिल्क तो क्या होता है, हमें नेचुरली नेचर से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। रेयन क्या होता है, ये आर्टिफिशियली सिंथेटिकली बनाया जाता है, बट दिखने में बिल्कुल सिल्क जैसा होता है। सिमिलरली नायलॉन क्या है, ये भी आपका सिंथेटिक फाइबर है। आपने देखा होगा जो सिंथेटिक साड़ी एंड सिंथेटिक शर्ट्स वगैरह आती हैं वो किसकी बनी होती हैं, नायलॉन की। टूथब्रशेज होते हैं, टूथब्रश के जो वायर्स होते हैं, बैडमिंटन होता है वो भी नायलॉन का बना होता है, फाइन। सो जो हमारे क्लोथ्स हैं वो कॉटन, वूल, सिल्क, रेयन, नायलॉन और भी डिफरेंट डिफरेंट हमारे फाइबर्स होते हैं उनसे बनते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जूट का, तो जूट से ही बनते हैं, लिनन से भी बनते हैं, लिनन अगेन आपका एक हाई वैरायटी ऑफ आपका फाइबर है, उससे भी बनते हैं। तो इसके आंसर, इस क्वेश्चन के आंसर आप अपनी लैंग्वेज में भी मोल्ड अप कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ यू नीड टू फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। बिल्कुल, आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि हम ऑब्जेक्ट्स को उनकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे ग्रुप करते हैं। अब यहाँ पे डिससिमिलैरिटी की बात हो रही है कि अगर आपको मैंने चार ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और चार में से तीन ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं और एक ऑब्जेक्ट अलग है, तो आप उसकी उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे कि वो अलग है, वो डिससिमिलर है, आप उसको एक्सक्लूड आउट कर सकते हो उस ग्रुप में से, और उसको उस ग्रुप में डाल सकते हो जहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी क्या और ये मैच कर रही। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, कौन कौन से ऑप्शंस हैं। पहला है चेयर, बेड, टेबल, बेबी एंड कबर्ड। अब देखो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको दिख रहा है जो बेबी है इसकी प्रॉपर्टी इन पांच चारों से बिल्कुल मैच नहीं कर रही। क्यों, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये सब हमारे क्या है, फर्नीचर्स। क्या है हमारे फर्नीचर, चेयर है, बेड है, टेबल है, कबर्ड है, ये सब क्या है, फर्नीचर है। अगर हम इनकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो इन सब का जो मटेरियल है वो क्या है, वुड हो सकता है, इनका मटेरियल वुड से बने भी हो सकते हैं। बट बेबी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका आंसर में गिवन भी है, बेबी क्या है आपका, ऑड वन आउट है, मतलब डिससिमिलर है, हम उसको इस ग्रुप में नहीं रख सकते।
हम लिविंग नॉन लिविंग के बेसिस पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल। ये जो चारों हैं ये क्या है, नॉन लिविंग है, और बेबी क्या है आपका, लिविंग होता है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड एंड लोटस। अब अगेन ये इजीली विजिबल है कि ये दोनों रोज एंड जैस्मिन एंड मैरीगोल्ड एंड लोटस ये क्या है, ये फ्लावर्स हैं। और बोट क्या है, बोट हमारी नाव होती है, इसका मटेरियल हमारा वुड होता है। ठीक है, रोज एंड अगेन ये रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड एंड लोटस ये क्या है, लिविंग है, क्योंकि ये हमारे किस में आते हैं, प्लांट में आते हैं। बोट क्या है, हमारी नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या है, बोट हमारा ऑड वन आउट है। ठीक है, देन अगर हम अगले वाले की बात कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर और सैंड। ईजिली पता चल रहा है इस क्वेश्चन में, सैंड क्या है, हमारी रेत है। अब सैंड इन चारों से अलग है, इन चारों से अलग क्यों है माय डियर स्टूडेंट्स, इन चारों से अलग है क्योंकि ये चारों क्या है, एलिमेंट हैं, और सैंड क्या है, हमारा पत्थर से बनने वाला हमारा बारीक कॉन्स्टिट्यूशन कंपाउंड है जो हमारा किसके फॉर्म में, रेत के फॉर्म में। अब सैंड की जो प्रॉपर्टी वो इनकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, इनको हम एक ग्रुप में डालेंगे क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी सेम है, एलिमेंट है, और सैंड हमारा किस में जाएगा, ऑड वन आउट में जाएगा। ठीक है, नाउ बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, शुगर, सॉल्ट, सैंड एंड कॉपर सल्फेट। अब इसमें भी अगेन क्या है, सैंड हमारा ऑड वन आउट है। क्यों, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, मैम कॉपर सल्फेट भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता, कॉपर सल्फेट क्यों नहीं हो सकता, देखो कॉपर सल्फेट क्या है, आपका एक क्रिस्टल होता है। अभी आप छोटी क्लास में, आपको नहीं पता, अगर मौका मिलेगा तो आई विल ट्राई टू शो यू अप अगर नेक्स्ट वीडियो में हुआ तो। कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू कलर का एक आपका क्रिस्टल फॉर्म में होता है, CuSO4 का अपना एक कंपाउंड होता है। ये कॉपर सल्फेट जो होता है ये वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। अगर मैं बात करूँ सॉल्ट की, नमक भी डिजॉल्व हो जाता है। शुगर की बात करूँ तो ये भी डिजॉल्व हो जाता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी में सैंड जो है वो हमारा वाटर में इनसॉल्युबल है। सैंड वाटर में सॉल्युबल नहीं है, वो नीचे सेटल हो जाता है। ठीक है, लेकिन शुगर, सॉल्ट एंड कॉपर सल्फेट ये क्या है, हमारे सॉल्युबल है। तो ये तीनों हमारी एक कैटेगरी में आता है सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग, और सैंड हमारा किस में आता है, अलग कैटेगरी में आता है सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो सैंड क्या हुआ, हमारा ऑड वन आउट हुआ। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूविंग ऑन टू अवर नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाई इज वाटर इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। यस, छोटा बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अगर हम, जब आपको याद होगा तो मैंने आपको सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन पढ़ाया था, उस टाइम पे आपको बताया था कि सॉल्वेंट की अगर बात होती है तो हम मैक्सिमम जगह पे क्या यूज़ कर रहे हैं, वाटर यूज़ कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वाटर क्या है आपका, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। मैं लिख दे रही हूँ एक बार, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल मतलब इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, और मैक्सिमम सॉल्यूट्स को ये इजीली अपने अंदर क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है। इसका आंसर चेक करते हैं, वाटर कैन डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। बिल्कुल, जो मैंने अभी आपको मेंशन किया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। सो इट कैन डिसॉल्व लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, सो इट इज़ नीडेड बाय अ बॉडी। इट इज़ ऑल्सो अ मेजर पार्ट ऑफ आर बॉडी सेल्स। ऑफकोर्स हमारी बॉडी के सेल में जितने भी जो हमारे माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, या फिर जितने भी हमारे सॉल्यूट हैं जो हमारे डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, वाटर में वो सब ज़्यादातर क्या है, सॉल्यूबल होते हैं। वाटर एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, एंड ऑफकोर्स व्हेन एज इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर इट इज़ ऑल्सो यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और इसीलिए वाटर क्या है, हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट एक वर्ड मैंशन कर सकते हो इसी आंसर में दोबारा से। नाउ मूविंग ऑन टू आर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 10। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू एंड फॉल्स। येस, ये आपका NCERT का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। बिल्कुल ऑपोजिट है ये तो। इसमें क्या बोला है, स्टोन यानी कि पत्थर को तो ट्रांसपेरेंट बोल दिया है, और जो ग्लास है, कांच है, उसको ओपेक बोल दिया है। ऐसा थोड़ी ना होता है। स्टोन क्या है, स्टोन आपका ओपेक होता है, और ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। तो ये क्या है आपका, फॉल्स है। ठीक है, देन अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। इसमें क्या बोला, जो नोटबुक होती है आपकी, जो रजिस्टर है, कॉपी है, उसमें तो शाइन है, बट जो इरेजर है, मिटाने वाली जो इरेजर है, रबड़ है, उसमें शाइन नहीं है। ये भी फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि ना तो नोटबुक में शाइन होती है, ना ही इरेजर में शाइन होती है। ओके, थर्ड क्या है आपका,
अ चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर, बिल्कुल भी नहीं, जो चॉक है वो आपकी पानी में डिजॉल्व नहीं होती. क्यों? क्योंकि ये अगर मैं आपको इंटर पार्टिकल साइज वाला कॉन्सेप्ट देती हूँ तो वो आपके लेवल से ज़्यादा है, बट आप समझने के लिए समझ सकते हो. जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच का जो साइज होता है उसके साइज से बड़ा है चॉक का साइज, तो वो उस स्पेस में आ नहीं पाता और वाटर में इजीली क्या नहीं हो पाता, डिजॉल्व नहीं हो पाता. ठीक है, आप अगर चॉक को घर पे भी आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, चॉक को क्रश करके, कूट के क्रश करके पानी में मिलाकर देखो, आपको लगेगा कि जो वाटर है वो मिल्की मिल्की वाइट वाइट कलर का हो गया. लेकिन अगर आप उस पानी को थोड़ी देर छोड़ दोगे तो आप देखोगे जितना भी जो चॉक है वो क्या है, नीचे सेटल हो गई है, सेडिमेंट हो गई है वो. ठीक है, हम पढ़ते भी हैं सेडिमेंटेशन वाली प्रोसेस में, हम अगले चैप्टर में जब हम सेपरेशन वाला पढ़ेंगे तब आप पढ़ोगे कि चॉक और वाटर को हम सेडिमेंटेशन डिकैंटेशन से सेपरेट कर सकते हैं. तो चॉक जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इसीलिए ये भी क्या है, ये भी आपका फॉल्स है. ठीक है, नाउ अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, बिल्कुल ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया, क्योंकि अगर हम बात करते हैं डेंसिटी की, डेंसिटी क्या है, घनत्व, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हैवी या कितना लाइट है वाटर के कंपैरिजन में, तो जो वुड है वो क्या होता है, हल्का होता है और वो पानी पे फ्लोट करता है. तो ये हमारा क्या है, दिस वन इज ट्रू. नाउ द शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ऐसा नहीं होता, ये तो एवरीबडी नोज दैट शुगर इज ईजिली डिजॉल्व, यू नो, सॉल्यूबल इन वाटर. जो चीनी है वो तो बहुत जल्दी पानी में डिजॉल्व होती, तो ये हमारा क्या हुआ, फॉल्स हुआ. ऑयल मिक्सेस विद वाटर, क्या ऑयल वाटर से मिक्स हो पाता है, बिल्कुल नहीं हो पाता. अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में ऑयल जो है वो वाटर से मिक्स नहीं हो पाता, वो एक सेपरेट लेयर बना लेता है. कि अगर हमारे पास ये ग्लास टम्बलर है, यहाँ पे नीचे अगर पानी है और ये अगर मैं इसको दूसरे कलर से शो करती हूँ, अगर ये ऑयल है तो ये क्या है, वाटर के ऊपर आकर एक लेयरिंग बना लेगा, ऑयल वाटर में डिजॉल्व नहीं होता. ठीक है, तो ये क्या है, फॉल्स. देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सैंड सेटल डाउन इन वाटर, बिल्कुल सैंड जो है, रेत जो है वो आपकी वाटर में सेटल डाउन हो जाती है. अगेन ये टम्बलर है, इसमें अगर पानी है तो यहाँ अगर आप इसमें सैंड मिक्स कर रहे हो तो सैंड क्या है, यहाँ नीचे आके सेटल डाउन हो जाएगी. तो ये क्या है, आपका ट्रू है. ठीक है, देन विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर, बिल्कुल विनेगर आपका सिरका होता है, जो हम किस में यूज़ करते हैं, पिकल्स में यूज़ करते हैं या चाइनीज क्विजींस में यूज़ करते हैं. और तो विनेगर क्या है, वो वाटर में ईजिली डिजॉल्व हो जाता है. ठीक है, तो अब माई डियर स्टूडेंट, दीज आर द 10 मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. आपके एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस होते हैं इन क्वेश्चन के. अगर ये नहीं भी है तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेसिस क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं क्वेश्चन को घुमाकर थोड़ी लैंग्वेज फ्रेम करके दे दिया जाता है. आई होप आप इन 10 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. एंड इन आर नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग आर यू नो नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सेपरेशन. सो सी यू ऑल विद अनदर वीडियो ऑफ नेक्स्ट चैप्टर. Till then, thank you, enjoy and stay safe. Thank you so much.